तो दोस्तों, जियो और एयरटेल कंपनी भारत की जो ऐसी कंपनी है जो 5G अपना नेटवर्क प्रोवाइड कर रही है, भारत की जो ऐसी दो ही कंपनी है जियो और एयरटेल, इनको लेकर दोस्तों बहुत ही बड़ा अपडेट आ चुका है और दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने क्या कहा इस पर, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अब ऐसे में दोस्तों BSNL काफ़ी ज़्यादा ऊपर ऊँचाइयों तक जाने वाली है और जियो एयरटेल का जो दबाव है वो बेअसर होता हुआ नजर आ रहा है। क्या है पूरा मसला, आइए जानते हैं इसके बारे में। जानने से पहले दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना, चैनल पे न्यू सब्सक्राइब कर लीजिएगा और भी इसी तरह के नए अपडेट्स की वीडियो को पाने के लिए। दोस्तों दूर संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जियो और एयरटेल के दबाव को दरकिनार करते हुए सैटेलाइट स्पेक्ट्रम का आवंटन करने की घोषणा की है। सरकार ने नीलामी के बजाय ITU के नियम के पालन करते हुए स्पेक्ट्रम आवंटन करने का फैसला किया है, जिसमें एलन मस्क का स्टारलिंक को भारत में एंट्री मिलने का रास्ता भी साफ हो गया है। दूर संचार मंत्री दोस्तों यहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सैटेलाइट ब्रॉडबैंड के मामले में जियो और एयरटेल के दबाव को दरकिनार कर दिया है। वहीं मंत्री ने दो टूक जवाब देते हुए यह भी कहा है कि सैटेलाइट स्पेक्ट्रम का आवंटन किया जाएगा। सरकार ने मुकेश अंबानी और सुनील भारती मित्तल की मांग को खारिज करते हुए कहा कि सैटेलाइट स्पेक्ट्रम आवंटन के लिए नीलामी का रास्ता नहीं चुना जाएगा। ऐसे में जियो और एयरटेल का दबाव जो है बेकार चला गया है। अब दोस्तों यहाँ पर जो भी एयरटेल और जियो का है सैटेलाइट्स के जरिए जो भी उनका प्रोसेसिंग थी वो उनका दरकिनार कर दिया गया, उनको हटा दिया गया है। उसके साथ बताया गया सैटेलाइट स्पेक्ट्रम आवंटन के मामले में प्राइसिंग को लेकर विवाद जारी है। इस मामले में सरकार का कहना है प्राइसिंग का कोई मुद्दा नहीं है क्योंकि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी TRI ने सैटेलाइट के स्पेक्ट्रम की कीमत को तय करेगी। वहीं सिंधिया ने दोस्तों कहा है कि सैटेलाइट और स्पेक्ट्रम को आवंटन करने के लिए भारत में इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यानी UNI ITU के नियम का पालन करेगा और ITU के सैटेलाइट के स्पेक्ट्रम को लेकर दिशा निर्देश बिल्कुल साफ हो गए हैं। ऐसे में भारत और ITU के ये गाइडलाइन को हिसाब से सैटेलाइट स्पेक्ट्रम का आवंटन करेगा और एलन मस्क ने ITU के नियमों का हवाला दे रहे हैं। भारत का सैटेलाइट स्पेक्ट्रम आवंटन करने के मामले में जो उनका हिसाब है वो कम करना चाहिए। वहीं दोस्तों एलन मस्क की मांग हुई है और सरकार ने एलन मस्क की मांग करते हुए जियो और एयरटेल को साफ इनकार कर दिया है। ऐसे में एलन मस्क की सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस स्टारलिंक की भारत में एंट्री का रास्ता भी साफ हो गया है। बता दें कि भारत ITU की सदस्य देश और ITU की यूनाइटेड नेशन की डिजिटल टेक्नोलॉजी की एजेंसी है और जियो एयरटेल की मांग खारिज के बाद सरकार के फैसले के बाद जियो और एयरटेल को जोरदार झटका लग चुका है। दरअसल जियो और एयरटेल की ओर से लगातार सरकार पर दबाव बनाया जा रहा था, लेकिन सैटेलाइट स्पेक्ट्रम आवंटन के लिए नीलामी की प्रक्रिया को अपनाया जाएगा। हालांकि सरकार पर भारत की दोनों दिग्गज टेलीकॉम कंपनियों जियो और एयरटेल का दबाव काम नहीं कर रहा है। तो दोस्तों वहीं दोस्तों दरअसल सीधे सैटेलाइट के जरिए ज़मीन पर इंटरनेट पहुंचाने के माध्यम से सैटेलाइट और इंटरनेट को कहा जाता है। इसमें तार और टावर की ज़रूरत नहीं होती, बस एक ही रिसीवर बीवी की मदद से ज़मीन पर इंटरनेट तक पहुंचाया जाता है। ऐसे में एलन मस्क ने स्टारलिंक को अमेजन जैसी कंपनियाँ का दबाव मौजूद है, यानी कि जो एलन मस्क की कंपनियाँ पर है वो पहले से इनका दबाव मौजूद है और बाद में दोस्तों एयरटेल और जियो ने दबाव बनाया तो उनका दबाव जो है उन्होंने खारिज कर दिया गया। तो दोस्तों अब रास्ता BSNL के लिए काफ़ी ज़्यादा साफ हो चुका है और इनका दबाव खत्म हो चुका है। वक्त दोस्तों ये जानकारी अगर आपको पसंद आई वीडियो को लाइक